हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको CAPF पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके अलावा हिस्ट्री का एक टॉपिक ऐसा बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। तो जो मैं आपको पेपर 2 के लिए बताने जा रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आप एक सेपरेट कॉपी में लिखिए, उस पर आप स्पेशल डेटा भी लिख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर पर आ गया लेट से, तो एग्रीकल्चर पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि इतना परसेंट पॉपुलेशन काम करती है एग्रीकल्चर पर, इतना परसेंट पानी हम यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड वाटर लेवल से, इतने लोग इस पे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इतना ही हम लोग GDP पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि मेहनत करके आ रखा है इंसान, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हर एक इंसान नॉर्मल ऐसे लिख सकता है, लेकिन आपको कुछ अलग लिखना होगा। और ये नहीं कि आप हर ऐसे में डेटा पेल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि स्टैंडर्ड आंसर लिख रखा है अच्छा, ना ही कम ना ही ज़्यादा। क्योंकि अगर 20 मार्क्स का ऐसे है तो आपको 18 तो मिलने वाले हैं नहीं, 12 15 16 इतने मिल सकते हैं, मैक्सिमम 16 मिल सकते हैं। तो अपना कंटेंट भी वैसे ही रखिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो मैं आपको अब लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, आप देखते होंगे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ कावेरी रिवर को लेके बहुत ट्रबल रहता है, हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। कि कन्नडा में एक ये भी है, कन्नडा लोग वाले बोलते हैं कि नम्दु कावेरी, विच मीन्स कावेरी रिवर इज आवर्स। और यही इसके अगेंस्ट तमिलनाडु वाले लड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कावेरी है, ये लोग आपस में लड़ते हैं। तो इस पर एक ऐसे आ सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट डिटरमाइंस द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इस पर एक आप ऐसे लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट पे और डेमोक्रेसी पे, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऐसे करके स्टेट स्टार्ट करके आप इस पर भी डेटा लिखिए। थर्ड, वीमेन इन जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे जजेस एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट के जज बने हैं, इसीलिए दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर टू एग्जाम। एंड ऑल्सो जुडिशरी विद रिस्पेक्ट टू जजेस, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए तो आपको जजेस और उसके अलावा ये वुमेन जो जज बन रही हैं उस पर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है ये भी, आप इसको भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है लिखने के लिए। उसके अलावा नंबर 4, एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन मस्ट बी स्ट्रेंथन टू प्रिवेंट डिफेक्शंस। अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट इसके बारे में बोलता है कि जब एक इंसान दूसरी पार्टी में जाता है डिफेक्ट करके तो उसको दल बदल जब होती है, ऐसा ना हो करके एक अमेंडमेंट आया था। उसके अलावा वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज, अभी अग्निपथ स्कीम आई, अग्निवीर आई, उसके ऊपर आ सकता है कि वट इज़ योर टेक ऑन अग्निपथ स्कीम, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। और दे कैन आस्क द क्वेश्चन डिफरेंटली, जैसे कि आपको आर्मी का जो अभी स्ट्रक्चर लगता है वो कैसा है, या फिर ऐसा कुछ, तो आप आर्मी के ऊपर ही बहुत बढ़िया डेटा सिंपल अच्छे रखिए अपने पास, उसके बाद प्रैक्टिस करिए इनके ऊपर लिखने की। लेट से अगर आर्मी में नहीं आया, डिफेंस फोर्स से कुछ और पूछ रहे लेकिन रिलेटेड टू आर्मी या फिर नेवी एयरफोर्स है, तो आपके पास होना चाहिए लिखने के लिए कि आप लिख लेंगे, ऐसा अपने पास डेटा रखिए। उसके बाद सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, इस पे भी आपको लिखना है, तो ये भी डेटा आपके पास होनी चाहिए कि कितने हम लोग इंपोर्ट कितना करते हैं, एक्सपोर्ट कितना करते हैं, हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं फिर सरप्लस में हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी भी आपको लिखना ही है, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो श्रीलंका बॉर्डर, इन सब पे आपके रिलेशंस जो हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए कि चाइना हमारे नदर नेबर है, उसके बाद इतनी आर्मी हमारे पास इतनी है, हमारे सोशल रिलेशन चाहिए, इकोनॉमिक रिलेशन चाहिए, पॉलिटिकल ये हैं, और जो भी हम जितने फ्रेंडली रिलेशन है सब हमको आने चाहिए। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप क्या चाहते हैं, आपको आपके हिसाब से रिलेशन अच्छे होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। उसके बाद क्लाइमेट चेंज और नेशनल सिक्योरिटी, आप देख रहे होंगे कि द टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाई डे, रिपोर्ट सेज इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 57 डिग्रीज इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू यू नो टू लिव ऑन द प्लानट। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको लिखने को मिलेगा, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं इस पर, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग एसी इतना यूज़ कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, वाटर इतना वेस्ट हो रहा है, ग्राउंड वाटर है ही नहीं, दिल्ली, तमिलनाडु और बेंगलोर में तो कर्नाटका में पानी है ही नहीं, आने वाले कुछ टाइम जैसे तमिलनाडु तो 0% चले गया, यानी कि पानी वहाँ है ही नहीं, वो सब वाटर टैंकर से ला रहे हैं, तो सोचिए वहाँ कैसे ट्री रहेंगे, कैसे बाकी चीज़ों जो लिविंग बींग्स हैं, कुछ भी हो, चिड़िया वगैरह कैसे रहेंगी, तो बहुत सोचने वाला विचार है, इस पर एक अच्छा लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इज श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, ये काफ़ी न्यूज़ में था, इस पर आपको रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्ग्यूमेंट्स या फिर ऐसे तो आ ही सकता है, इसलिए इसके ऊपर आप अच्छे से अपनी कमांड बनाइए। और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि अगेंस्ट इंडिया वर्क करते हैं, तो आपका क्या टेक उसके ऊपर है, आपको उस पर लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। उसके बाद इंडियन ओशियन रीजन और इंडिया, जैसे इंडियन ओशियन रीजन क्या है कि चाइना चिढ़ता है अगर हम बोले कि इंडियन ओशियन रीजन है, क्योंकि उसका भी प्रेजेंस वहाँ पे है। उसके अलावा साइबर क्राइम इन इंडिया, फिशिंग वगैरह जो होती है, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, सही है या गलत, आपको आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट आना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी,
क्रिप्टो करेंसी के आपके आपका टेक अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जो जो बिटकॉइन वगैरह काफ़ी न्यूज़ में थे, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया लेकिन द मार्केट वेंट डाउन लाइक लाइक हेल। तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या क्रिप्टो करेंसी और फॉर दैट मैटर बिटकॉइन वगैरह, आपको पता होना चाहिए सब। नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट फायर्स इन माउंटेन्स। वी हैव बीन विटनेसिंग फॉरेस्ट फायर्स, हर जगह पहाड़ों में आग लगती है गर्मियों के मौसम पर खासकर ये होता है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वट प्रिकॉशन शुड बी टेक यू नो टू स्टॉप दीज थिंग्स सो दैट आवर नेचुरल फ्लोरा एंड फौना रिमेन्स एज इट इज़, इस पर आपको लिखना आना चाहिए। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन आता ही आता है एग्रीकल्चर पर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ गुड टॉपिक एंड यू मस्ट हैव गुड एज वेल एज यू नो यू शुड कनेक्ट दैट टू चाइल्डहुड पार्ट। जैसे कि एग्रीकल्चर में मैंने ऐसा लिखा था लास्ट में कंक्लूजन में कि एक स्पेशल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का हमारे स्कूल्स में होना चाहिए फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन, विच शुड टीच प्रैक्टिकली हाउ टू ग्रो यू नो अ प्लांट अ वेजिटेबल, बिकॉज वी हैव बीन ईटिंग फॉर द पास्ट 20 to 25 years एंड वी डू नॉट नो हाउ हाउ अ पोटैटो ग्रोज, तो वट इज़ द यूज़ ऑफ ईटिंग इट। मतलब कि आपको पता ही नहीं आप अन्न उगता कैसे और आप खा रहे हो पेल के, पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आपको पता होगा तो आपको उससे लगाव ज़्यादा होगा, आप वेस्ट कम करेंगे, क्योंकि खाना 6 महीने बाद प्लेट में आता है प्रोसेस होने के बाद, उसको वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर और कौन सी हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉइल भी ठीक रहे उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी प्रोडक्टिविटी बढ़े उसकी। इसके अलावा चाइल्ड लेबर पे आपको आना चाहिए, वेस्ट टू वेल्थ, इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा करने की उम्मीद भी आगे है, इसीलिए यू मस्ट हैव गुड पॉइंट्स ऑन द सब्जेक्ट। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन गाइडलाइंस, क्योंकि तमिलनाडु मैंने बताया ऑलरेडी रोल की तमिलनाडु कर्नाटका एंड दिल्ली हैव यू नो वेरी लो वाटर लेवल ऑफ दिस ग्राउंड वाटर लेवल, सो यू मस्ट हैव गुड पॉइंट्स ऑन दिस सब्जेक्ट्स। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, एफ स्पाई नॉर्थ ईस्ट, और इस पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी दोनों दोनों कोरिलेट होते हैं। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर, इस पे आपका क्या टेक है, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस आई ऑलरेडी टोल्ड, सेफ सॉइल मूवमेंट अभी सदगुरु ने स्टार्ट किया था, तो सॉइल से रिलेटेड डिग्रेडेशन भी है या फिर वाटर लेवल भी है, एक अच्छा है आपके पास कंटेंट होना चाहिए इस पर। एग्रीकल्चर मैंने बता रखा है पहले, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कैसे पेड़ इतने कट रहे हैं, इतनी गर्मी बढ़ रही है, मेट्रो के लिए एक आर्य फॉरेस्ट पूरा काट दिया जाता है बीच से महाराष्ट्र में। उसके अलावा स्पोर्ट्स पे अच्छा आपके पास कंटेंट होना चाहिए, डिफेंस पे होना चाहिए, डिफेंस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक। वुमेन एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये दीज टॉपिक्स गो विदाउट सेइंग यू नो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन पे लिखना क्या है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, राजा राम मोहन रॉय को 250th एनिवर्सरी उनकी इस साल है, तो उस पर क्वेश्चन आता ही आता है कि राजा राम मोहन रॉय की एक बुक थी अ गिफ्ट टू मोनोथीज्म आई गेस, वो पर्शियन लैंग्वेज में थी। उस क्वेश्चन पे डाउट भी अभी था, वो हाई कोर्ट तक का ही चैलेंज हुआ था, उसके बाद ये क्वेश्चन को उन्होंने रिवर्ट किया, ले लिया वापस। तो राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। काफ़ी सारा इस पर है जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स में मैंने अलग से लगभग 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं जो राजा राम मोहन रॉय के ड्यूरिंग हुए थे, जैसे कि उनकी सोच काफ़ी बड़ी थी, विलियम बेंटिक उस टाइप की, तो उनने काफ़ी अपनी तरफ से काफ़ी इंडिया को दिया है, तो उनकी जो जो उपलब्धियाँ हैं आपको पता होनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा, उसको तैयार कर लीजिए हिस्ट्री में आराम से। उसके अलावा फॉर दैट मैटर हिस्ट्री के लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थीम्स की बुक जो हैं उनको पढ़िए और स्पेक्ट्रम पढ़िए, नथिंग यू नो नथिंग एल्स इज़ नीडेड, तो इतना आप करिए पेपर 2 के लिए। और मैं जल्द ही CDS के जो लास्ट के महीने में पढ़ाई के टॉपिक्स हैं उन पे एक वीडियो बनाऊंगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट डाउन बिलो। ऑल राइट, जय हिंद।